जय हिंद दोस्तों, ब्राइट लाइट में आपका स्वागत है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ यह केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। बता दें कि दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही आबादी की बात करें तो यह देश के दूसरे स्थान पर है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली देश की राजधानी और राजनीति का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ यह देश के पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, जो कि लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, राजघाट, मुगल शैली में बना हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, पुराना किला आदि को देखने पहुँचते हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक, मुगल वास्तुकला, तरह तरह के संग्रहालय, औपनिवेशिक इमारतों और लगभग सभी धर्मों के तरह तरह के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का समावेश देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अक्षरधाम मंदिर, यह मंदिर दिल्ली में स्थित है और भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। इसे भारत के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की निर्माण प्रक्रिया में लगभग 11,000 कारीगरों ने भाग लिया। यह मंदिर इतना विशेष है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यदि आप दिल्ली में हैं या दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो इस मंदिर का अवश्य दौरा करें। कालकाजी मंदिर। कालकाजी मंदिर दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित है, जो माँ काली देवी को समर्पित है। इसका निर्माण मान्यताओं के अनुसार 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर मनोकामना सिद्ध पीठ मंदिर के रूप से भी जाना जाता है। आजकल मंदिर के आसपास का परिसर संगमरमर से संजीवित है और इसे चारों ओर पिरामिड आकार के स्तंभों से घेरा गया है। इस्कॉन मंदिर। नई दिल्ली के कैलाश पहाड़ी क्षेत्र के पूर्वी भाग में इस्कॉन मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना 1998 ईस्वी में की गई थी। इस मंदिर का उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को समर्पित है और इसे श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के समय इस मंदिर को खूब सजाया जाता है। यहाँ का भव्य दृश्य देख कर ही आप इस स्थान के माहौल में खो जाएंगे। छतरपुर मंदिर। दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर भारत के प्रसिद्ध और विशाल मंदिरों में से एक है। यह गुड़गांव मेहरोली मार्ग के पास छतरपुर इलाके में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1774 ईस्वी में श्री आद्य कात्यानी शक्तिपीठ द्वारा किया गया था। यहाँ की प्रमुख देवी माँ काली है, जिसे कात्यायनी शक्तिपीठ के रूप में भी पुकारा जाता है। देश के हर कोने से भक्त इस मंदिर को देखने आते हैं। विशेषकर नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर में खूब धूम देखने को मिलती है। कमल मंदिर। नई दिल्ली के खूबसूरत मंदिरों में से एक कमल मंदिर है, जिसका निर्माण कार्य 1986 में संपन्न हुआ। यह मंदिर दिल्ली के कालकाजी नेहरू प्लेस के पिछले भाग में स्थित एक बहाई उपासना स्थल है, जहाँ कमल मंदिर स्थित है। इस मंदिर का आकार बिल्कुल कमल जैसा है, इसलिए इस मंदिर को कमल मंदिर या लोटस टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सभी धर्म के लोग प्रार्थना और ध्यान के लिए आते रहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।